हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। सिर्फ तीन एक्सरसाइज बताऊंगी। किसके लिए? मम्मी टम्मी के लिए। देखिए, जब सी सेक्शन होता है लेडीज का, तो उनका पेट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, क्योंकि 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाती है और खिलाया जाता है थोड़ा सा घी वगैरह, ये जरूरी भी होता है ताकत के लिए, और वर्कआउट कुछ नहीं कर पाती हूँ। 6 महीने तक उनके स्टिचेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब रेस्ट करना होता है उनको, तो इसलिए उनकी टमी ज्यादा आ जाती है। वैसे तो हर एक की आती है, डिलीवरी के बाद हर लेडीज की आती है, लेकिन सी सेक्शन वालों की ज्यादा आ जाती है। जिनका सीजेरियन ऑपरेशन से बेबी आया होता है दुनिया में, उनका ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनके लिए मैं तीन एक्सरसाइज बता रही हूँ। वैसे तीनों एक्सरसाइज कोई सी भी टमी कम करने के लिए बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, लेकिन सी सेक्शन के लिए स्पेशली ये तीनों मानी जाती हैं, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। देखिए, मैं दो दो तीन तीन करके बताऊंगी, थोड़ी थोड़ी सी आपको ज्यादा करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन वार्म अप से। देखिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, किसी में चूक जाती हूँ, तब भी आपको वार्म अप करना ही करना है 5 मिनट तक। इससे आपकी पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, पूरी बॉडी आपकी गर्म हो चुकी होती है, जॉइंट्स खुल चुके होते हैं, तो आपको कहीं भी झटका वगैरह नहीं आता है। तो वार्म अप कर लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे करना है, पैरों को चलाना है 5 मिनट तक, ठीक है। अब देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, घुटने के नीचे से आपको ताली बजानी है ऐसे। देखिए, इससे क्या होता है, पेट पूरा स्ट्रेच होता है, खिंचता है, फिर ऐसे पास में आता है, फिर ऐसे स्ट्रेच होता है, फिर ऐसे पास में होता है। जब जब ऐसे ऐसे मूवमेंट लेता है, तो वो चीज आपकी स्ट्रेट होती है थोड़ा सा, मतलब उसमें जो ढीलापन जो आ गया है, वो टाइटनेस आती है उसको हटके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप 10 टाइम्स इधर से कर लीजिए, अगर आप बिगिनर से आपने अभी स्टार्ट किया तो, नहीं तो आपको 20-20 टाइम्स करना ही करना है। हाथ ऊपर, फिर नीचे, इसके नीचे, ये आपको 10-10 टाइम्स से स्टार्ट करके 20 तक ले जाना है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड, देखिए ये कोहनी और ये वाला घुटना, ठीक है, राइट हैंड तो लेफ्ट लेग का, इसकी एल्बो और इसका नी टच करना है दोनों आपस में। देखिए, पहले स्ट्रेट आपके स्ट्रेच हुआ था, अब ये साइड से स्ट्रेच हो रहा है दोनों। देखिए, तो बहुत अच्छी साइड स्ट्रेचिंग, पेट देखिए नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा, साइड में जाएगा, उससे वो फ्लैट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आप कर लीजिए कम से कम 20-20 टाइम्स। अब थर्ड, इसमें देख लीजिए, बैठ के नीज पे आपको बैठ जाना है ऐसे, फिर ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बॉडी को भी अप करेंगे, ब्रीथ इन, देखिए ऐसे, फिर डाउन। जब डाउन आएंगे तो ब्रीथ आउट कर देंगे और डाउन आएंगे, ब्रीथ इन आउट से आपके इंटरनल भी मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा और वो हेल्दी होंगी। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। देखिए, शायद बैठने की पोजीशन नहीं दिखाई दे रही, एक और बार देख लीजिए आप। देखिए, ऐसे बैठना है आपको, वज्रासन वाला, ठीक है, ये ऐसे बैठना है, फिर ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये भी आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है, बहुत अच्छा है। इसके बाद आप प्राणायाम में कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकती है, उससे भी आपकी टमी कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कपालभाति मैंने आपको बताई हुई है। मुंह बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नाक से सांस को सिर्फ फेंकना है ऐसे। देखिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, 1 सेकेंड का 1 स्ट्रोक लेना है और आपको कम से कम 200 टाइम्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो मम्मी डम्मी के लिए। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।